स्वामीनारायण मंदिर अपने भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पोइचा में स्थित नीलकंठ धाम मंदिर का आकर्षण और भव्यता तो कमाल है। सबसे पहले तो इसका प्रवेश द्वार ही इसकी भव्यता को बयां कर देता है। दोस्तों अभी सुबह के 11:30 बजे हैं और हम निकल चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से और चल पड़े हैं राजपिपला जिले के पोइचा गांव में स्थित नीलकंठ धाम मंदिर की तरफ। यह मंदिर स्टैचू ऑफ यूनिटी से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। यह मंदिर बड़ोदरा से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर है और भरूच से 80 किलोमीटर। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आने के बाद इस मंदिर का आकर्षण और भी बढ़ गया है। दोस्तों अभी हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। मंदिर के द्वार पर भगवान नटराज की विशाल मूर्ति विराजमान है। मंदिर के अंदर बड़ा सा सरोवर बना हुआ है और इसके बीचों बीच शिवलिंग, गणेश जी, हनुमान जी के मंदिर के साथ और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं। ये जो छोटे छोटे लाइन में 24 मंदिर आप देख रहे हैं, वे भगवान विष्णु के 24 अवतार को दर्शाते हैं और माना जाता है कि सभी 24 शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशी व्रत से संबंधित है। यहाँ बहुत सारे फाउंटेन्स हैं और गार्डन्स हैं। इस सरोवर का जो जल है उसकी आपूर्ति नर्मदा नदी से की जाती है। यहाँ बहुत सारी विशाल मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, जिनके माध्यम से पौराणिक गाथाओं को दर्शाया गया है। स्वामीनारायण मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका आर्किटेक्चर है, जिसे बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है और आपको प्राचीन काल की अनुभूति देता है। आप देख सकते हैं मंदिर की दीवारों में अद्भुत कला का काम किया गया है। यहाँ भोजनालय है, रेस्ट हाउस है, दुकानें हैं और एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। नीलकंठ धाम में मंदिर के अलावा भी बहुत सारे स्पॉट्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क है, वाटर पार्क है, एग्जीबिशन है। तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो है सहजानंद यूनिवर्स एग्जीबिशन और यहाँ पर करीबन हजारों विशाल मूर्तियाँ हैं रिलेटेड टू द स्टोरीज ऑफ रामायण, महाभारत एंड इंडियन कल्चर।
ये जगह एहसास दिलाती है कि मानो जैसे सारी पौराणिक कहानियाँ जीवित हो गई हो और आप उसे खुद जी रहे हैं।